महारानी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी हैं। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का समय बचा है। ऐसे में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अब जनता के बीच जाकर उनके दिलों में जगह बनाने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। वैसे तो राजे पहले ही कह चुकी हैं कि जनता ही मेरा परिवार है और यदि वो मेरे लिए ढाल बनकर खड़ी है तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे ये देखने को मिला कि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको जनता भूलती नहीं है, उसका साथ इन दिनों महारानी अपने गृह जिले के दौरे पर है। इस दौरान वो हर वर्ग के लोगों से मिल रही हैं। मजदूर दिवस के मौके पर महारानी मजदूरों के साथ श्रमदान करती दिखाई दी। इस दौरान न केवल उन्होंने मजदूरों से मुलाकात की बल्कि निर्माणाधीन मकान में लगने वाले टीन शेड के पिलर की ईंट से चिनाई भी की। महारानी ने कारीगर के हाथ से करनी ली और सीमेंट बजरी के मसाले से ईंटों की चिनाई की। उन्होंने सिर्फ रस्म अदायगी ही नहीं की पिलर की एक फिट तक ऊंची चिनाई भी की। इस दौरान वहां मौजूद कारीगर और मजदूरों ने पूर्व सीएम की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने कहा, चिंता मत कीजिए, जनता के आशीर्वाद और विश्वास का यह मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। इस दौरान उनके साथ उनके बेटे और स्थानीय सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने डांगी समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहुंचकर सभी जोड़ों को सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं भी दी। इससे पहले पूर्व सीएम डाक बंगले में स्कूली बच्चों से भी मिलती हुई नजर आई। इस दौरान बच्चों ने उन्हें गुलाब के फूल भी भेंट किए और छात्रों के हाथ से बनी पेंटिंग को देखकर महारानी मुस्कुराई और फिर उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। इसके साथ ही जब महारानी जालोर के साचौर से हेलीकॉप्टर से कोलाना हवाई अड्डी पर पहुंची तो लाउंज में पहुंचकर उन्होंने वहां की अव्यवस्थाओं पर भी कड़ी नाराजगी जताई। महारानी ने हवाई पट्टी की अव्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित से सवाल किया, ये क्या हाल बना रखा है, कुछ करते क्यों नहीं। आपको बता दें कि अब विधानसभा चुनाव में महज 6 से 7 महीने का ही समय रह गया है। ऐसे में सभी नेताओं ने अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है। अब महारानी तो जनता को ही अपना परिवार बताती आई हैं। अब उनकी ये कोशिशें विधानसभा चुनाव में क्या रंग लाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपका वसुंधरा राजे को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए झालावाड़ से फिरोज अहमद की रिपोर्ट।